सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। प्रेम और पसंद दोनों में क्या अंतर है? इसका सबसे सुंदर जवाब गौतम बुद्ध ने दिया है। अगर तुम एक फूल को पसंद करते हो तो तुम उसे तोड़ कर रखना चाहोगे, लेकिन अगर उस फूल से प्रेम करते हो तो तोड़ने के बजाय तुम रोज उसमें पानी डालोगे ताकि फूल मुरझाने ना पाए। जिसने भी इस रहस्य को समझ लिया, समझो उसने पूरी जिंदगी को ही समझ लिया। किसी काम में लगाए गए हमारे समय का इतना महत्व नहीं है जितना प्रयास की गंभीरता का है। आज का पंचांग 4 जुलाई 2021 दिन रविवार, अषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि, शाम 7:55 तक रहेगी। इसके उपरांत एकादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। अश्विनी नामक नक्षत्र सुबह 9:05 तक रहेगी। इसके उपरांत भरणी नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय शाम 5:32 से 7:12 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय दोपहर 12:04 से 12:58 तक रहेगा। आज चंद्रमा मेष राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य मिथुन राशि पर रहेंगे। वृश्चिक राशि 4 जुलाई 2021 दिन रविवार, जो लोग आप पर निर्भर करते हैं वो आपकी चिंता कर सकते हैं। कड़ी मेहनत करें और आने वाले दिनों में आपको अच्छा भाग्य मिलेगा। अगर आपके परिवार या प्रियजनों को आपकी जरूरत है तो उनके आराम को प्राथमिकता दें या शायद उनके साथ रहने के लिए एक छोटी सी यात्रा करें। आज आपका अधिकतर वक्त परिजनों और कार्यालय के बीच में बीतेगा। अपने परिवार के प्रति अधिक भावुक रहेंगे। कुछ खाली समय खुद के लिए निकालें, सोचे समझे और अपनी समस्याओं को हल करें। कोई भी व्यक्ति अतीत में जाकर खराब शुरुआत को नहीं सुधार सकता, पर हर व्यक्ति एक नई शुरुआत करके उसका एक सफल अंत कर सकता है। अपने रिश्ते में सुधार लाने के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। अपने प्रियजनों के साथ कहीं घूम आए या घूमने का योजना बना सकता है, उन्हें खुश कर दें। आज आप थोड़ा जल्दी घर पहुंच जाएं और अपने प्रियजनों को कहीं बाहर घुमाने ले जाएं। ऐसा कुछ करें और फिर देखें कि आपको कितनी खुशी मिलेगी। रोजगार की दिशा में कार्यरत लोगों को उत्तम अवसर भी प्राप्त होंगे जिससे वह अपने भविष्य को संवारने के सपने आसानी से देख पाएंगे। रोजगार की दिशा में कार्यरत उत्तम अवसर प्राप्त होंगे। आज आपको अपने कारोबार में कड़ी मेहनत करनी पड़ सकती है जिससे आप अपनी नई योजनाओं को आगे बढ़ा पाएंगे। आज आपको अपने किसी मित्र की मदद के लिए आगे आना पड़ सकता है जिसमें कुछ धन भी लगा होगा। ससुराल पक्ष की किसी व्यक्ति से आज आपको कोई वाद विवाद पनप सकता है। सावधानियां, बहुत समय से किसी खोई हुई वस्तु के मिल जाने पर आज आपके चेहरे पर खुशी छा जाएगी। इस किसी को ऐसे ही बने रहने दें। पैसे को लेकर थोड़ा संभल कर रहें, कीमती सामान को लेकर भी थोड़ा ध्यान रखें। बात करते हैं लव लाइफ की। इस समय आप प्रेम के रंग में पूरी तरह से रंगे हुए हैं और यह महसूस कर रहे हैं कि कोई अलौकिक शक्ति इस रंग गहरा बना दे। मुकदमेबाजी या कोई दुर्घटना चिंता का कारण हो सकती है। आपकी लव लाइफ बहुत ही रसपूर्ण है, किंतु कुछ उतार चढ़ाव आज आपके मूड को परिवर्तित कर सकती हैं। अपने पार्टनर की सुने और शांत रहें। अगर आप दोनों किसी भी काम को साथ मिलकर करेंगे तो आपको हमेशा सफलता प्राप्त होगी। अगर आपका प्रेमी कहीं दूर है तो आज मिलने की संभावना है। बात करते हैं करियर की। अपनी अंतरात्मा की सुनिए और अपने कोई भी निर्णय उसके परिणामों के बारे में जानकर लें। कौशल प्रशिक्षण या नया ज्ञान अपने प्रदर्शन को बेहतर बनाने के अच्छे तरीके। अपनी दिनचर्या को बदलकर आप अपने व्यवहार या आदतों को सुधार सकते हैं। किसी पर तुरंत विश्वास ना करें और धोखे से बचें। आज आपका ध्यान
अपने करियर की मुख्य मुद्दों पर रहेगा। आप महत्वाकांक्षी हैं और आपकी इसी गुण से आपकी कंपनी को फायदा होगा। बहुत समय से अटके हुए सौदे और मुद्दे भी आपको लाभ पहुंचाएंगे। विज्ञापनों और ग्राहकों के माध्यम से आप अपनी स्थिति को मजबूत कर सकते हैं और इससे प्रतिस्पर्धा भी मदद मिलेगी। बात करते हैं सेहत की। आज ग्रहों का आप पर सकारात्मक असर रहेगा और आपको जोड़ों के दर्द में आराम मिलेगा। आज आप खुद में और अपने मूड में सुधार देखेंगे। आप मौके का फायदा उठाएं और कुछ व्यायाम ताकि आपको आने वाले समय में इसका लाभ हो। आज का उपाय, आज आप बरगद के पेड़ पर जल अर्पित करें, अति शुभ रहेगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।